नमस्ते बच्चों, मैं छाया पवार। इस वर्ष हम हिंदी की सातवीं कक्षा के पाठ्य पुस्तक का अभ्यास करने वाले हैं। बच्चों, हिंदी विषय जो सातवीं कक्षा का है उसमें पहले ही अनुक्रमणिका में दिया गया है पहली इकाई और दूसरी इकाई। पहली इकाई का मतलब है कि प्रथम सत्र और दूसरी इकाई का मतलब है द्वितीय सत्र। तो बच्चों, इस क्लास में हम जो हमारा पहला पाठ है वाचन मेला, इस पाठ का हम अभ्यास करने वाले हैं। वाचन मेला का अर्थ है कि वाचन से संबंधित सभी तरह की पुस्तकें इस मेले में रखी गई। अब आपको मालूम है कि सभी उम्र के बच्चे इंसान एक ही पुस्तकें पढ़ना पसंद नहीं करेंगे, तो वाचन मेला का अर्थ है कि वहाँ सभी तरह की पुस्तकें रखी गई है। छोटे बड़े बच्चों जिन्हें जो पुस्तकें चाहिए तो सभी तरह की पुस्तकें मेले में रखी गई है। तो बच्चों, आप देख सकते हो कि मेला शब्द का अर्थ है कि संग्रह है। बच्चों, आप इस चित्र में देख सकते हो कि इस वाचन मेले में तरह तरह की दुकानें दिखाई गई है, पुस्तक की दुकानें। यहाँ छोटे बड़े सभी पुस्तकें देखने में मग्न हुए हैं। इस तरह देखो, पुस्तकों का अलग अलग विभाग बनाया गया है, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, किशोर बच्चे हैं उनके लिए। यहाँ पहला जो विभाग है बाल साहित्य। साहित्य का अर्थ है भाषाएं। यहाँ तुम्हें मराठी, हिंदी, अंग्रेजी सभी तरह की पुस्तकें देखने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी। बाल साहित्य में जो पहली से सातवीं तक के बच्चे हैं उनके लिए जो पुस्तकें हैं वो पुस्तकें वहाँ रखी गई है। दूसरा विभाग है विज्ञान कथा। अब आप कहेंगे कि विज्ञान में कथा कैसे हो सकती है? बच्चों, हो सकती है। यहाँ जो विज्ञान से संबंधित जो शास्त्रज्ञ है उनसे जुड़ी जो घटनाएं हैं, उन्होंने शोध कैसे लगाए, तो इस तरह की कथा के पुस्तकें यहाँ रखी गई है। आगे चलकर आप देखेंगे इस दुकान पर किशोर साहित्य लिखा गया है। अब किशोर साहित्य का मतलब है कि जो आठवीं से दसवीं तक के बच्चे हैं। अब तुम्हारी उम्र के जो बच्चे होते हैं उन्हें चित्र, कथा, इस तरह की पुस्तकें पसंद आती है, मगर जो बड़ी उम्र के बच्चे होते हैं आठवीं से दसवीं तक, उन्हें बड़ी उनकी उम्र के हिसाब से किताबें पढ़ती अच्छी लगती है। उससे आगे चलकर हम देखते हैं तो यहाँ बच्चे किताबें हाथ में लेकर हंस रहे हैं। इसका मतलब है कि उन्हें उनकी मनपसंद किताब मिली और वो किताब लेकर बहुत खुश हुए हैं। उससे भी आगे चलकर हम देखेंगे तो यहाँ एक डिंडी निकली हुई है। देखो, यहाँ बच्चों ने गणवेश पहने हैं, कुछ बच्चों के हाथों में पालकी है, कुछ बच्चों के हाथों में फलक लिखे हुए हैं। तो तुम्हें मालूम है बच्चों कि डिंडी का मतलब है कि जो हमारे देवस्थान होते हैं वहाँ लोग इकट्ठे होकर जाते हैं, उनके हाथों में पालकी होती है, उस पालकी में देवताओं की मूर्तियाँ रखी हुई होती है। इसी तरह इस वाचन मेले के पालकी में पुस्तकों की जो पौराणिक पुस्तकें हैं वो इस पालकी में रखे गए हैं, और जो पौराणिक पुस्तकें होती है उनका हमें सम्मान करना चाहिए। इस पालकी में पुस्तकें रखकर ये
पुस्तक डंडी निकाली गई है। आगे हम देखेंगे एक जो लड़की है उसके हाथ में जो फलक है उस पे लिखा हुआ है पुस्तकों से पाए ज्ञान जाने भाषाए विज्ञान। हमारी जो अभ्यास की शुरुआत होती है वो हमारे पाठ्य पुस्तक से होती है, वहाँ से हम वाचन करना सीखते हैं। अगर हम पुस्तकें पढ़ेंगे, पुस्तकों से पाए ज्ञान, पुस्तकें हमें ज्ञान देती है। अगर हम पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारा ज्ञान बढ़ता है, हमें पुस्तकों से भाषा का ज्ञान होता है। और विज्ञान, विज्ञान में जो नए नए बातें हमें जाननी होती है वो हमें पुस्तकों से मिलती है, इसलिए हमें पढ़ते रहना चाहिए। आगे दूसरे बच्चों के हाथ में देखते हैं, दूसरा फलक है यहाँ, पुस्तकें हैं हम सबकी साथी प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती। पुस्तकें हमारे दोस्तों जैसे हैं, अगर हम अच्छे दोस्तों से दोस्ती करेंगे तो हम अच्छे ही कहलाएंगे। इस तरह से अगर हम अच्छे अच्छे पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे ज्ञान में उन्नति ही होती है। प्रज्वलित करें ज्ञान की बाती, पुस्तकें पढ़ने से हमारा ज्ञान दिन ब दिन बढ़ते ही जाता है। पुस्तकें पढ़ने से हमारे ज्ञान में और बढ़ पढ़ती जाती है, इसलिए हमें अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। विद्यार्थियों, मेले में हम और भी सूक्ष्म तरह से निरीक्षण करते हैं, तो यहाँ हमें ई बुक्स और ऑडियो बुक्स ये फलक भी लिखे हुए दिखते हैं। बच्चों, ई बुक्स आपको मालूम है कि ई बुक्स में हमें हर तरह की जानकारी मिलती है। अगर आपका कोई विषय हो आप उसमें टाइप कर देते हो तो ई बुक्स में आपको हर तरह की जानकारी मिल जाती है। उसी तरह से ऑडियो बुक्स और ई बुक्स है जिनसे हमें इंटरनेट जिसे कहा जाता है उससे हमें जानकारी मिलती है। तो बच्चों, इस तरह से हमने वाचन मेला इस पार्ट में किताबों का महत्व समझा, किताबों से संबंधित कुछ घोषवाक्य पढ़े, किताबें कैसी होती है, कहानी, कथा, विज्ञान आदि की किताबें होती है, ये हमने इस पार्ट में देखा। तो बच्चों, हमारे ज्ञान के विकास के लिए हमें पढ़ते रहना चाहिए, वाचन हमारा साथी है। और इस पार्ट पर तुम्हें भी घोषवाक्य बनाना है। और आजकल जो घोषवाक्य आप सुनते होंगे, साबुन से बार बार हाथ धोए और कोरोना को भगाए, इस तरह के घोषवाक्य आप बनाएं और इस पाठ का अभ्यास पूर्ण कीजिए। धन्यवाद।